चैप्टर सेकंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट वर्कशीट वन थर्ड क्वेश्चन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें एक नंबर गिवन है और पूछा है कि इस नंबर की हम किससे मल्टीप्लाई करें, कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले हमने फाइंड किए गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर, 2560 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। इट इज डिविजिबल बाय 2, थ्री ट्वेंटी, 160, फिर आ जाएगा 80, 40, 20, 10, 5 और 5 से चलाया नीचे आ गया 1। अब हमने 2560 के प्राइम फैक्टर फाइंड किए, वो आए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 टाइम्स 2 है, 9 टाइम्स हम 2 लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 5। इसके बाद हम 3 सेम प्राइम नंबर लेके ग्रुप करेंगे प्राइम फैक्टर का, एक साथ 3 सेम प्राइम नंबर लेंगे तो एक ग्रुप बन गया इन 3 प्राइम नंबर्स का, दूसरा ग्रुप बन गया इनका, तीसरा ग्रुप बन गया इनका। ऑन ग्रुपिंग अब हम देख सकते हैं, ऑन ग्रुपिंग द फैक्टर्स वी फाइंड दैट 5 इज लेफ्ट ओवर, 1, 5 जो है वो बच गया जिसके जिसका ग्रुप नहीं बन सका। सो वी इफ वी मल्टीप्लाई टू फाइव सिक्स जीरो बाय, अब हमें यहाँ पे कितने नंबर्स, कितने फाइव्स की जरूरत है इसका ग्रुप पूरा बनाने के लिए, 2 और 5 चाहिए क्योंकि 3 सेम प्राइम नंबर होने चाहिए हमारे पास, हमारे पास है सिर्फ 1, 5 तो हमें कितने और 5 चाहिए, 2 times 5 चाहिए। तो वी मस्ट इफ वी मल्टीप्लाई 2560 बाय 5 × 5 मीन्स 25, द फैक्टर वुड बी, अगर हम इस नंबर की 5 × 5 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 2 × 2, 9 times 2 पहले लिख लिया हमने और इनके ग्रुप बना दिए, और 1, 5 था हमारे पास, अब 2 times हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो 5 का भी ग्रुप फॉर्म हो गया। तो इफ वी मल्टीप्लाई 2560 बाय 5 × 5 मीन्स 25, द फैक्टर्स वुड बी, तो ये क्या बन गए, फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। Hence, we can say that 2560 must be multiplied कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 25 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। अब हमें एक नंबर गिवन है और ये पूछा है कि इस नंबर को किससे डिवाइड करें ताकि जो क्वेश्चन आए वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले वही करेंगे हम कि गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, हमने किया 2 से डिवाइड, अगेन डिविजिबल बाय 2, टू वन नाइन सेवन इज द क्यूब ऑफ 13,
2197 13 का क्यूब होता है, आप याद रखेंगे। तो हम इसे 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करके आया 169। अगेन 169 इज डिविजिबल बाय 13 और 13 इज अ प्राइम नंबर, सो इट इज डिविजिबल बाय ओनली 13 एंड देयर इज 1। तो हमें जो प्राइम वेक्टर मिले 8788 के, वो आए 2 × 2 × 3 × 13। अब हम देख सकते हैं 13 सेम प्राइम नंबर लेकर हमने 13 का तो ग्रुप बना लिया, बट वी आर लेफ्ट विद द टू फैक्टर, टू प्राइम फैक्टर, 2 × 2 × 2। तो इसलिए हमें गिवन नंबर के को किससे डिवाइड करना होगा, जब भी डिवाइड के लिए पूछा जाए, जब भी आपसे कहा जाए कौन से नंबर से हम डिवाइड करें, तो वो प्राइम फैक्टर जिनके ग्रुप नहीं बने उनसे हम गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। क्या लिखेंगे हम, ऑन ग्रुपिंग द फैक्टर्स वी आर लेफ्ट विद टू मल्टीप्लाई टू, सो वी डिवाइड 8788 बाय 2 × 2 × 2 बाय मीन्स 4 से, 4 से हम डिवाइड करेंगे। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे इस गिवन नंबर को, तो दो फैक्टर जो है 2 × 2 ये हट जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद द फैक्टर, हमारे पास कौन से फैक्टर बचेंगे, जो क्वेश्चन होगा, द क्वेश्चन देन वुड बी 13 × 13 × 13 विच इज अ परफेक्ट क्यूब, जो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। हमें ये नंबर गिवन है, अब हमने इसके प्राइम फैक्टर लिखे और इसको किस नंबर से डिवाइड किया, 2 × 2 से। तो जब 2 × 2 से डिवाइड करेंगे तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचा उसके प्राइम फैक्टर क्या बचे, 13 × 13 × 13, जो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। सो 8788 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4, सो दैट द क्वेश्चन बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पार्ट है 650 इज अ परफेक्ट क्यूब। हम दो वे से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, या तो हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें, या फिर एक दूसरा रूल जो होता है वो ये होता है कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब अगर है तो उसके और एंडिंग एंड किससे हो रहा है, जीरो से एंड हो रहा है वो नंबर, तो उसमें हमेशा कितनी जीरो होनी चाहिए, द नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3। कितनी, मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स या तो 3 जीरो हो, 3 टाइम्स जीरो हो उसमें, या फिर 6 टाइम जीरो, या फिर 9 टाइम्स जीरो है, एंड सो ऑन, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 के इक्वल। जैसे अभी हम देख सकते हैं इस गिवन नंबर में एंडिंग में सिर्फ एक ही जीरो है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, तो हम लिखेंगे इसे फॉल्स, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। परफेक्ट क्यूब होने के लिए एंडिंग में, नंबर के एंडिंग में जो जीरोज हैं वो इक्वल होनी चाहिए मल्टीपल ऑफ 3 के। सेकेंड पार्ट, परफेक्ट क्यूब में एंड विद 2 0, सो इसका भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि 2 0 भी नहीं होनी चाहिए एंड में, कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 3, तभी वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। परफेक्ट क्यूब्स थर्ड पार्ट, परफेक्ट क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर मे नॉट ऑलवेज बी ऑड, ये भी फॉल्स है। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि ऑड नंबर का क्यूब भी ऑड होता है, इवन नंबर का क्यूब ऑलवेज इवन, द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड एंड द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो परफेक्ट क्यूब का, परफेक्ट क्यूब ऑफ ऑड नंबर मे नॉट ऑलवेज बी ऑड, ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि हमेशा ही ऑड ही होगा।
क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर आर नेगेटिव टू, नेगेटिव नंबर का क्यूब भी नेगेटिव ही होता है, ये भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर। एंड द लास्ट वन इज फॉर अ नंबर टू बी परफेक्ट क्यूब इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपलेट, ये भी क्या है ट्रू, हमने देखा है जब भी हम देखते हैं कि एक नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है तो हम सेम थ्री सेम प्राइम नंबर का ग्रुप करते हैं। तो अगर सबके प्राइम सारे नंबर के ग्रुप बन गए और कोई भी नंबर नहीं बचा, कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं बचा, तो ही वो नंबर परफेक्ट क्यूब होता है, तो इसलिए हम इसे ट्रू कहेंगे।